लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की लिस्ट भी हमारे पास बिल्कुल तैयार है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि रिजल्ट सीजन में पिछले हफ्ते किस प्रकार के नंबर्स आए। तो बताइए, लंबी चौड़ी लिस्ट रही है, अच्छे नंबर्स रहे हैं, निराशाजनक रहे हैं, कैसे रहे हैं? निराशा तो बिल्कुल नहीं है, या तो अच्छे या मिक्स है, तो वो ठीक है। और जैसे कि अनिल जी भी हाईलाइट कर रहे थे, पीएसयू बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। लेकिन शुरुआत टाटा स्टील से करता हूँ, क्योंकि सबको इसी पे नजर थी कि टाटा स्टील किस तरह के नतीजे देता है। और देखिए, तगड़े नतीजे हैं, इन लाइन है। मार्जिन से अगर आप देखेंगे तो 26% के आसपास आए हैं। कंपनी के रेवेन्यू 60,780 करोड़ पे आए हैं, 58,500 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और कंपनी का मुनाफा जो है 9573 करोड़ के आसपास आया है, 9244 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो हर पैरामीटर पे इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफी अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूरोप में भी जो परफॉर्मेंस है स्ट्रांग रहा है। SBI अनुमान से बेहतर नतीजे है और तगड़े नतीजे इस कंपनी ने भी पेश किए हैं। 3687 करोड़ के आसपास NII आया है, प्रॉफिट जो है 62% बड़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, 3.34% से बढ़कर 3.4%। ग्रॉस NPS में कमी हुई है, 4.9% से गिर के 4.5% के आसपास आए हैं। तो SBI तगड़े नतीजे हैं। श्री सीमेंट नतीजे ठीक ठाक है, हालांकि मार्जिन जो है वो थोड़े गिरे हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। रेवेन्यू जो है 6.8% बड़े हैं, मार्जिन जो है 32.8% से गिर के 23.2% के आसपास आए हैं, और मुनाफा जो है 492 करोड़ के आसपास आया है। तो बॉटम लाइन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा वीक है इस कंपनी का, हालांकि 45 रुपीज प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। इंटरग्लोब एविएशन नतीजे अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यू 65-66% बड़े हैं, एबिटा मार्जिन देखिए 21.5% पे आया, जो कि अनुमान से काफी बेहतर। और घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 130 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, 400 करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया जा रहा था। इसके अलावा जीमेंस यहाँ पे थोड़े कमजोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज 11.7% बड़े हैं, लेकिन मार्जिन गिरा है 10.2% पे आया है, मुनाफा जो है 245 करोड़ पे आया है, 6.5% के आसपास की गिरावट यहाँ है। बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतरीन नतीजे हैं, NII 14% बड़ा है, मुनाफा देखिए 1061 करोड़ से बढ़कर 2197 करोड़ पे आया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, ग्रॉस NPS जो है वो कम हो चुके हैं। आरती इंडस्ट्रीज नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज दुगने हो चुके हैं, मार्जिन देखिए 24% से बढ़कर 41%, मुनाफा 165 करोड़ से बढ़कर 772 करोड़ के आसपास आया है, तो ये अच्छे नतीजे हैं। इसके अलावा कुछ कैश के नतीजे और उसमें हाल ही की लिस्टेड कंपनी पेटीएम, यहाँ पे कंपनी ने घाटा किया है 778 करोड़ का। रेवेन्यू और एबिटा तो अच्छे बड़े हैं, लेकिन घाटा कंपनी को हुआ है, तो ये एक दिक्कत की बात है, देखना होगा किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है। नारायण हेल्थ अच्छे नतीजे, बहुत ही बेहतरीन नतीजे हैं, रेवेन्यूज तो अच्छे बढ़े, लेकिन मार्जिन देखिए 16.7% से बढ़कर 18.2%, मुनाफा जो है उसमें करीब 2.5 गुने के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा दो और हाल ही की लिस्टेड कंपनी CMS इन्फोसिस्टम अच्छे नतीजे हैं, मार्जिन रेवेन्यूज मुनाफा तीनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, खासकर मार्जिन में 3.5-4% के आसपास का इजाफा है। और गो फैशन अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यूज 46% बढ़े हैं, मुनाफा 33%, मार्जिन जो है 31% से बढ़कर 37% के आसपास आया है। चलिए, तो ये तो वो नंबर्स रहे जो हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखे, जिसका विश्लेषण वरुण ने रखा। लेकिन वरुण जरा बताइए, आज कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं? एंड ऑफकोर्स खबरें भी बहुत सारी हैं, तो खबरों के दम पे कौन कौन से स्टॉक्स चढ़ेंगे या उतरेंगे, क्या होगा? तो आज निफ्टी की कोई कंपनी नहीं है, FNO स्पेस से है, नैलको और TVS मोटर्स, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये दो कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी। और याद रखिए, RBI की जो MPC बैठक थी वो एक दिन की वजह से टल चुकी है, तो अब 8 फरवरी को रीशेड्यूल हो चुकी है वो, और RBI की पॉलिसी जो है वो 10 तारीख को आएगी, इसके चलते आपको यहाँ नजर रखनी है। हाँ, और आज फॉरेक्स मार्केट भी बंद है, तो इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। कोफोज की इंटरिम डिविडेंड की एक्सडेट है 13 रुपए प्रति शेयर की। सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ है काफी सारे स्टॉक्स के, जिसमें 5% से 10% हुआ है, IIFL फाइनेंस, PNB हाउसिंग, तो ये तमाम वो कंपनी है जहाँ पे नजर रखनी है। 10 से 20 हुआ है GMDC, HOEC, ग्रीव्स कॉटन, 5 से 10 हुआ है रेणुका शुगर, पूनावाला फिनकॉर्प, इसके अलावा अडानी ग्रीन, तो यहाँ पे नजर रखेगा। तो ये सर्किट फिल्टर रिवीजन की बहुत लंबी लिस्ट है, वहां पे एक एक करके आपको नजर रखनी है। वेदांत फैशन पहले दिन जो टोटल सब्सक्रिप्शन है करीब 14% के आसपास का ही है, देखते हैं आज और कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर रखेगा, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दमदार पिटाई हुई थी, क्योंकि DB रियल्टी के साथ इन्होंने करार किया था, वो जो निवेश करने की योजना है उसको फिलहाल इस कंपनी ने खारिज कर दिया है, तो ये एक रिलीफ की बात होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर होल्डर्स के लिए, या फिर क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी पिटा था ये स्टॉक। FDC 9 फरवरी को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे कंपनी जो है विचार करने वाली है। इसके अलावा गोवा की ओरल सॉलिड डोसेज फैसिलिटी जो है उसको मलेशिया के नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटर एजेंसी जो है उससे GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है उसका सर्टिफिकेट मिला है। गल्फ ऑयल
9 तारीख को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पर विचार करने वाले हैं, यहाँ पे नजर रखनी है। और गुजरात सिद्धी सीमेंट और सौराष्ट्र सीमेंट पे नजर रखेगा, क्योंकि स्कीम ऑफ अमेलगमेशन को अप्रूवल मिला है। गुजरात सिद्धी सीमेंट का विलय जो है सौराष्ट्र सीमेंट में होगा, और गुजरात सिद्धी सीमेंट के हर 100 शेयर के लिए शेयर होल्डर्स को सौराष्ट्र सीमेंट के 62 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये भी एक अपडेट है। वेरी वेल, तो काफी सारी यहाँ पर क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट तो रहेंगी ही, साथ ही खबरों के दम पर कहाँ कहाँ आपको स्टॉक्स में नजर रखनी है एंड हेंस फोर्थ यहाँ पर रणनीति अपनानी है, इसका आइडिया आपको वरुण ने दे दिया। वरुण, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए।